नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है, क्योंकि बीते कई समय से पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। इसी तरह इस बार भी वो अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन की घोषणा कर चुके हैं। उनके अनशन के बाद राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। बता दें, पायलट को लेकर जानकारों के दो मत हैं। एक धड़ा पायलट के कांग्रेस में रहकर ही गहलोत के खिलाफ अभियान छेड़े रखने का दावा कर रहा है। पायलट अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को जयपुर के शहीद स्मारक अनशन पर बैठ रहे हैं। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि वसुंधरा राजे के सीएम रहते हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर अनशन किया जाएगा। पायलट का अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा, इसलिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उन्हें पार्टी विरोधी बता दिया है। इसी के साथ खबर ये भी है कि सचिन पायलट दिन भर अनशन करने के साथ अपनी सियासी लाइन साफ कर सकते हैं। पायलट भाषण में गहलोत और पार्टी को लेकर क्या टोन रखते हैं, उससे उनके कांग्रेस में रहकर लड़ने या तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत मिल जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पायलट ने सियासी लाइन साफ करने के लिए ही अनशन किया है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा लड़ाई में कांग्रेस हाईकमान से जुड़े नेता गहलोत के साथ अनशन की घोषणा के बाद से कांग्रेस हाईकमान से जुड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में बयान दिए हैं। पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद रविवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान में मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत के कामकाज की तारीफ की। जयराम रमेश ने कहा, राजस्थान सरकार के कामकाज के आधार पर चुनाव में जाएंगे, इससे साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस दो गुट में बंट चुकी है। गहलोत के बाद राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी प्लेटफॉर्म की जगह अनशन पर जाने के पायलट के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा, सचिन पायलट जब सवा साल डिप्टी सीएम रहे तब करप्शन का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, मुझसे मुलाकात में कभी उन्होंने करप्शन पर बात नहीं की। पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करने की जगह सीधे अनशन पर बैठना गलत है। आपको बता दें, पहले भी पायलट और गहलोत में टकराव देखने को मिला था, हालांकि तब गहलोत विधायकों के साथ बहुमत साबित करने में सफल रहे थे। यहाँ चुनाव भी होने हैं, इसलिए अब देखना होगा कि सचिन पायलट सीएम बनने में कामयाब होते हैं या नहीं। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए punjabkesari.com।